हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। फ्रेंड्स, आज मैं उपमा का प्रीमिक्स बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, गैस जला दिया है, हाफ के जी मैंने सूजी लिया है, 500 ग्राम सूजी ले लिया है। और सूजी मेरी जो है मीडियम साइज़ की है। एक होता है जो बिल्कुल बारीक होता है, हलवा बनता है, और एक होता है उपमा। तो ये उपमा वाली सूजी है, क्योंकि हलवे वाली सूजी बहुत बारीक होती है, उपमे वाली सूजी जो होती है ना थोड़ा मोटा रवा होता है, उसी को ले लिया है। इसको हमें 1 से 2 मिनट ऐसे रोस्ट करना है कि इसका जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाए। तो कढ़ाही में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ कढ़ाही में सूजी डाल के इसको हल्का सा हमें 1 से 2 मिनट ऐसे रोस्ट करना है। तो बस ऐसे चला लेती हूँ, और गैस को मैंने मीडियम पर रखा है, मीडियम गैस रख के इसको चला लेती हूँ। जैसे कभी कभी होता है कि सुबह सुबह नाश्ता बनाना तो ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत जल्दी में रहते हैं और नाश्ता नहीं बना पाते हैं। या जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर अकेले रहते हैं नौकरी जॉब में कॉलेज के लिए, और घर में वो खाना बनाना चाहते हैं तो फटाफट नहीं बना सकते हैं, तो बिना खाए पिए ही निकल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर प्रीमिक्स हम बना के रखे रहें ना, तो फटाफट 5 मिनट में सुबह सुबह हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा उपमा, और फटाफट खा लेंगे, घर का नाश्ता खा के जाएंगे, सारा दिन उनका बहुत अच्छे से निकलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं प्रीमिक्स बनाती हूँ। तो प्रीमिक्स मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। ये लगभग 2 मिनट हो गया चलाते हुए। खाली कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबल स्पून देसी घी डाल रहे हैं। मीडियम गैस पर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तब तक हमें ये सूजी को रोस्ट कर लेना है। तो बस गैस को मीडियम टू स्लो पर किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो मीडियम भी कर सकते हैं। सूजी को हमें रोस्ट करना है, हल्का हल्का, जब इसमें गोल्डन गोल्डन सा दिखने लगेगा ना तब तक हमें ये रोस्ट करना है। घी डालने से थोड़ा गांठे बन गई थी ना, वो गांठे सारी टूट गई हैं। अभी इसको हमें 3 से 5 मिनट कम से कम ऐसे रोस्ट करना है कि घी डालने की वजह से सूजी हमारी अच्छे तरीके से सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी। इतना हमें रोस्ट कर लेना है, और सूजी देखेंगे तो हल्का हल्का एक गोल्डन कलर में दिखने लगेगा, लाइट पिंक कलर का थोड़ा सा हो जाएगा, तब तक सूजी को हमें रोस्ट कर लेना है। एक बार बना के रख लिया ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप चाहे तो उत्तपम बनाओ, सूजी की इडली बनाओ। जैसा कि मैं उपमा का प्रीमिक्स बना रही हूँ, इस उपमा का सिर्फ उपमा नहीं बनेगा, इससे आप कुछ भी बना सकते हो। आप चाहिए तो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप रवा इडली बना सकते हो, रवा उत्तपम बना सकते हो, उपमा तो बनेगा ही, तो आप इससे कई चीज़ें बना सकते हो। एक बार इस तरीके से बना के रख लिया ना, तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा आपका, फटाफट बना के तैयार कर लेंगे सुबह का नाश्ता। तो 5 मिनट रोस्ट करते हुए सूजी हो गया है, और अगर मैं सूजी उठा के आपको दिखाऊँ ना, तो ये हल्का कलर में, हल्का पिंक कलर में आ गया है, जो हल्का गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है सूजी ना, तो बस उतना ये रोस्ट हो चुका है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ, और इसी भी चलाते हुए इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ थोड़ा सा। सूजी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, इसको मैं दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। सूजी निकाल लिया, वही कढ़ाई मैंने फिर से ले लिया है, इसी में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा लिया, 1 टीस्पून सरसों दाना लिया, बारीक वाला राई है इसको डाल देते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद वाली उड़द दाल लिया है, इसको भी डाल देती हूँ तड़का में। 1.5 टीस्पून चना दाल लिया, ये रोस्टेड चना दाल है, आप चाहिए तो जो कच्चा चना दाल होता है वो भी ले सकते हो, मगर रोस्टेड लेंगे ना तो ये दांत में कट कट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये रोस्टेड वाला लिया है, चना दाल लिया है। 8-10 मैंने काजू ले लिया, काजू डाल देते हैं। तड़के को अच्छे तरीके से लाल कर लेती हूँ। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, दालें हमारे लाल हो चुकी है, काजू भी लाल हो गया है इस तरीके का। इसी में कुछ 8-10 करी पत्ता लीफ डाल दे रही हूँ। मैंने 2-3 गाजर ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, और 1/2 कप मैंने मटर लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो और कोई सब्जी डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही डालूंगी, इससे ज़्यादा सब्जी नहीं डालूंगी। वो डिपेंड करता है चॉइस पे कि आप क्या क्या खाते हैं, उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस इसको फुल गैस पर मुझे पकाना है, ये जो पानी इसका निकल रहा है ना, वही पानी इसका सूख जाए बस, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इस तरीके से मैं फुल गैस पे ही रखूँगी, ताकि ये गाजर और मटर में से पानी सूख जाए बस। इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे चलाते रहना, चलाते चलाते ही पक जाएगा। मैंने धनिया पत्ती भी काट लिया, ये भी यहीं साइड में डाल देते हैं, साथ में ये भी इसी में मिक्स हो जाएगा। तो
एक बार इस तरीके से बना के देखिए फ्रेंड्स, बस सुबह का ना बहुत काम आसान हो जाता है। नाश्ता के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उपमा ऐसा चीज़ है कि सबको पसंद आएगा। मैंने सिर्फ गाजर और मटर इसमें डाला है। जब आप उपमा बनाने का करेंगे सुबह सुबह, तो उस टाइम में आप चाहिए तो जब प्याज वगैरह काटेंगे ना, तो उस टाइम में आप चाहिए तो बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ और नहीं डालूंगी, मैं बस यही इतना डालूंगी। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि मटर भी और गाजर भी पक चुका है। सूजी रोस्ट करके रख लिया ना, ये पूरी सूजी इसी में डाल देती हूँ। सूजी डाल दिया, सूजी डाल के भी मिक्स कर देते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रीमिक्स बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सुबह सुबह का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। जब भी आपको उपमा बनाना है फटाफट, अगर प्याज काट के बनाना है तो प्याज काट के बना लीजिए, बिना प्याज के बनाना है तो बिना प्याज के भी बना सकते हो। टमाटर, मिर्ची, जो भी आपको डालना है उपमा बनाने के टाइम में, उस टाइम में आप इसमें बना सकते हो। पूरे उपमा भर का नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ ताकि ऊपर नीचे अच्छे तरीके से नमक मिक्स हो जाए। एक नींबू ले लिया है, नींबू इसी में निचोड़ देती हूँ और इसी में एक टीस्पून में चीनी डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा फ्रेंड्स कि इसको हम प्रीमिक्स को लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें डाल के भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। इसमें चीनी डाल दिया है और नींबू भी डाल दिया है। नींबू डालने से थोड़ा खट्टापन रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा हमारा जो ये मिक्स बना के रखी हूँ प्रीमिक्स ना, ये हमारा लंबे टाइम तक चलेगा। और मैंने मिर्ची इसमें इसलिए नहीं डाला कि जब हम तड़का तो देंगे ही ना, तो उस टाइम में मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब अभी तड़का दिया था मैंने उसी टाइम में आप हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हो। तो ये हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। इसको ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे ना फ्रेंड्स, तो इसको आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। अभी मेरा ये प्रीमिक्स तो बन के तैयार हो गया, इसी से मैं आपको उपमा बना के दिखाती हूँ। तो ये प्रीमिक्स तो हमारा बन के तैयार हो गया है। मैंने एक स्टील की कटोरी ली है, यही भर के मैं उपमा का प्रीमिक्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उपमा भी तो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक कटोरी भर के लूँगी तो उससे हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कितना पानी, कितना इसमें क्या मिलाएंगे। एक कटोरी इसको ले लेती हूँ बनाने के लिए अभी, और ये उपमा का जो प्रीमिक्स है ना, इसको दूसरे बर्तन में निकाल के फैला के रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। कढ़ाई मैंने ले लिया, इसी में मैं एक टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गरम हो गया है। मैंने इधर एक प्याज काट लिया है, एक हरी मिर्ची काट ली है। आप चाहिए तो कुछ मत डालिए, डायरेक्ट आप उपमा बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें प्याज डालूँ क्योंकि उपमा में प्याज भी अच्छा लगता है। तो प्रीमिक्स में हम प्याज नहीं डाल सकते हैं, इसलिए बनाने के टाइम में प्याज का यूज़ करेंगे। उपमा बनाने के टाइम में आप प्याज का यूज़ करिए, बीन्स डालिए, शिमला मिर्च डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, लेकिन मैं बाकी कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज ही डालूंगी। प्याज से ही उपमा बना के तैयार करूंगी प्रीमिक्स के साथ में। प्याज को हल्का सा मैं गोल्डन होने देती हूँ। तो देख रहे हैं प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर में आ गया है। तो आप चाहिए तो इसी में जो प्रीमिक्स है डाल के मिक्स करके फिर पानी डालिए। जिस कटोरी से मैंने प्रीमिक्स का नाप लिया है, एक कटोरी प्रीमिक्स लिया है, दो कटोरी मैंने पानी लिया, ये पानी इसी में डाल देती हूँ। पानी डाल दिया, पानी में एक उबाल आने देती हूँ। फटाफट बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर एक बार बना के रख लिया प्रीमिक्स ना, तो आपको कोई झंझट की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, सीधा में कढ़ाई में सीधा आप पानी डाल के उबालिए, उसके बाद प्रीमिक्स डाल के फटाफट मिक्स करिए और बन जाएगा आपका उपमा। पानी में मैं उबाल आने देती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं पानी में उबाल आ चुका है, और जो कटोरी भर के मैंने प्रीमिक्स लिया है ना, इसको इसी में हमें डाल देना है। डाल के फटाफट इसको हमें चला लेना है। गैस को मैंने स्लो टू मीडियम पे रखा है, इस तरीके से चला लेंगे ना फटाफट ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बाकी कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं प्रीमिक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया था, इसीलिए डाला था कि इसको कोई भी बना लेगा। अगर कोई बच्चा भी घर का बनाना चाहे ना, कि अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कि आज हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे, फटाफट पानी में घोला और बना दिया, फटाफट पानी रख दिया उबलने के लिए, उसके बाद जो है हमारा उपमा बनके तैयार हो गया। बस इसको इसी तरीके से चलाते जाएंगे ना, फटाफट गाढ़ा हो जाएगा, और जब तक ये गाढ़ा होगा तब तक सूजी भी हमारी अच्छे तरीके से फूल जाएगी इसमें। देख रहे हैं, कोई बता नहीं सकता कि ये प्रीमिक्स से बनके तैयार हुआ है उपमा। बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट बन जाता है, कोई झंझट ही नहीं है इसमें। तो
अभी देखिए जैसे पानी सारा सूख गया, अगर आपको पसंद हो इसी में हाफ टी स्पून घी डाल देती हूँ, ऊपर से भी फ्लेवर आ जाएगा। घी डाल के भी मिक्स कर देते हैं, बस उपमा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें धनिया पत्ती वगैरह सभी कुछ डला है, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती, करी पत्ता सभी कुछ इसमें डला हुआ है। ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, फटाफट बन के तैयार हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। जैसे होटलों में उपमा मिलता है ना, उसी टाइप का उपमा बन के तैयार हुआ है हमारा। तो गैस बंद कर देती हूँ और इसको मैं खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। प्रीमिक्स भी बन के तैयार हो गया है और ये रहा उपमा। बहुत ही शानदार उपमा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाएंगे ना, बड़े बच्चों सबको बेहद ही पसंद आएगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।